ये एक्चुअली डायरेक्टली हेडक्वार्टर ये झिमिथांग से यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पे आपका 10-12 किलोमीटर का है। जो रिसेंटली लास्ट टाइम का जो यांगसे में जो इंसिडेंट हुआ था चाइनीज़ आर्मी के साथ में, पीएलए के साथ में, तो वो इंसिडेंट देख के हमें तो बड़ा मज़ा आया, क्योंकि वो वीडियो जो ऐसे वायरल होके बैठा हुआ है, जो हमारा जवानों ने थे जो अपना जो जो अपने एरिया के अंदर में जो आने की कोशिश करेंगे, जो उनको जो जवाब देना चाहिए, तो वो काफ़ी हमें अच्छा लगा, क्योंकि हम अपने जवान से वही उम्मीद करते हैं कि कोई हमारे जगह में घुसने ज़बरदस्ती घुस के आएंगे, तो जैसे इंडिया और चाइना के बीच में तो आर्म्स को लेके कोई ये सब चीज़ नहीं हो पाए नहीं होता है, तो लकड़ी से जो उन लोग ने जो डंडा से जो कराया है, तो ये सब चीज़ को देख के तो हमारा लोकल इवन शायद मेरे ख्याल से हर जवान लोग सर एक जोश मिला होगा, हमको यहाँ पे रहना है, यहाँ के लोग यहाँ के आर्मी लोग के साथ में एक साथ मिलकर डट के हम लोग लड़ना है, बस हमारा माइंडसेट में वही था, तो यहाँ से कोई कहा गया भी नहीं था, तो यहाँ के लोग ये जो छोटा मोटा जो इंसिडेंट उनके साथ होते हैं कोई पैनिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब बिंदास है, बढ़िया है, यहाँ पे आराम से रह रहे हैं। आराम से एकदम बढ़िया हमारा, क्योंकि हमारा अपने गवर्नमेंट पे हमें भरोसा है, इंडियन आर्मी बोलो आईटीबीपी बोलो, हम लोकल के साथ में हम लोग एक दूसरे के साथ में काफ़ी अच्छा रिलेशन रखते हैं यहाँ पे, शायद सब जगह पे ऐसा रखता होगा जो बॉर्डर एरिया होते हैं, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है आर्मी के साथ में या पैरामिलिट्री फोर्स के साथ में तो काफ़ी अच्छा रिलेशन है हमारा, तो हम लोग तो कभी कभी उनको कहते भी है कि चलो यार हम लोग को भी ट्रेनिंग कराओ। तो यहाँ के लोग सेफ फील करते हैं क्योंकि इंडियन आर्मी हमारे साथ हर हमेशा है, तो इसकी वजह से हम बहुत सेफ सेफ फील करते हैं। तो इसके लिए मैं इंडियन आर्मी की तरफ से इंडियन आर्मी को बहुत प्राउड फील करता हूँ। तो इंडियन आर्मी को मैं यही मैं बोलना चाहूँगा कि हम सब की तरफ से, गाँव वासी की तरफ से थैंक यू, धन्यवाद, ऐसे ही हमारा सुरक्षा करते रहिए और हम भी साथ देंगे आगे। तो यहाँ का जो लोकल के जो लोग हैं वो लोग को तो काफ़ी वो जोश में भरा हुआ है सर लेके आके, तो हर समय इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट के साथ में हमेशा साथ है। अभी का समय जैसे देखा जाएगा इंडियन गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव चल रहा है, खासकर स्पेशली हम तो बीजेपी को बोलना चाहेंगे, इससे पहले जैसे यहाँ पे एक्टिविटी होता था वो हमको तो नहीं लगता था कि कोई एक्टिविटी होता था जैसे, लेकिन जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे आया हुआ है, आप हर एरिया जाके देखिए, बॉर्डरिंग एरिया स्पेशली तवा में, तो आप हर जगह देखिए रोड कनेक्टिविटी हर जगह से होना ज़रूरी है, कोई भी एक रूट प्रॉब्लम आ जाएंगे तो हमारा दूसरा रूट अल्टरनेट होना चाहिए, तो हर जगह से फुल ऑन काम होके बैठा हुआ है, तो ये सब जब काम होता है तो जब गवर्नमेंट एक बॉर्डर एरिया को लेके जब इंटरेस्ट दिखाता है तो हम लोकल को भी काफ़ी अच्छा लगते हैं ये सब। गाइस, यू वांट टू हियर अ जोक? फॉर द लास्ट वन मंथ आई वाज हॉलिडेइंग इन यूरोप, ईटिंग एवरीथिंग। इन अबाउट 5 डेज हियर इन ट्रेनिंग वी हैव द बीप टेस्ट। क्या एज है? 22, 21, 20। दे ऑल कुडंट बीट मी। I will not tell you the scores because it's embarrassing. But 40 साल के बुड्ढे से 1, 2, 3 और बहुत सारे उदा, सुरेश, मोयरांग, पता नहीं प्रिंस क्रिंस, एवरी वन couldn't beat me. So the next time you call me old, think about it. Tunisia! Yeah, Tunisia! Tunisia! Tunisia is the best? Yes, of course. Where are you from? Israel! No. What? Are you a Qatar fan? Yes. And what is the from which TV you are? We're from Israel. Sorry. اهلا انا من اسرائيل. ما في اسرائيل في شيء اسمه فلسطين. لا في اسرائيل. فلسطين خلص. في اسرائيل. امر واقع. امر واقع. امر واقع. يلا 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 اسرائيلي بطل. يلا 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 اسرائيلي بطل. يلا يلا. This? Yes. For Israel. What you? No. Yeah. No. Thank you. Why? I'm sorry. Arabic, Arabic. Which channel is this? Israel channel. You don't like us? We are from Israel. 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 Yeah. Hey, new friends. What? We have peace. Israel, no Palestinians. Israel, no Palestinians. But we have peace, huh? Peace. You sign peace. You sign peace. You sign peace. You sign on the peace agreement. You are not welcome here. Even if this is Qatar, this is our country. You are not welcome here. There is only Palestine. There is no Israel. पाकिस्तान हर बार आतंकवाद के मुद्दे पर अपने आप को बचाने के लिए कश्मीर पर एक फेक प्रोपेगेंडा का सहारा लेता है। ये आज की बात नहीं है, शुरू से ऐसा है। लेकिन आज हम पाकिस्तान को और पाकिस्तान के नए और अनुभवहीन विदेश मंत्री बुलावल भुट्टो को कुछ जरूरी बातें बताना चाहते हैं।
बिलावल भुट्टो को शायद याद नहीं होगा कि आज से 51 वर्ष पहले आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान की सेना के 93,000 सैनिकों को पूर्वी पाकिस्तान में सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था और इसी के बाद ये पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नाम से एक नया देश बना था। इस युद्ध में भारत की जीत के सिर्फ 4 दिन बाद जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे जो बिलावल भुट्टो के नाना थे। और बड़ी बात यह है कि जुल्फिकार अली भुट्टो के कार्यकाल में ही पाकिस्तान का विभाजन हुआ और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के रूप में 1,48,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन गंवा दी। ये उनके नाना के समय में ही हुआ था, लेकिन बिलावल भुट्टो इसके बावजूद भारत को लेकर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जैसी टिप्पणी उन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान में, यानी बिलावल भुट्टो के बयान में, और भारत के कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के बयान में कोई अंतर नहीं है। आज बिलावल भुट्टो भी अपने भाषण में वहां न्यूयॉर्क में बैठकर आरएसएस के कट्टरवाद की बात कर रहे हैं, आरएसएस का मुद्दा उठा रहे हैं। और राहुल गांधी ने भी आज भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर यही मुद्दा उठाया, आरएसएस का ही जिक्र किया है। और जब आप दोनों के बयानों को मिलाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों में बड़ी समानता है। यानी ऐसा लगता है कि बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी के बयानों की स्क्रिप्ट शायद कोई एक ही व्यक्ति लिख रहा है। ये दोनों बयानों को जोड़कर जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा शायद राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो एक ही टीम में खेल रहे हैं। ये दोनों को देखेंगे जब आप तो आपको लगेगा कि बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी शायद एक जोड़ी की तरह खेल रहे हैं। ये और ये जोड़ी भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की मदद कर रही है। बीजेपी आरएसएस, ये इनका काम डिफेमेशन है। ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है, ये इनकी सबसे बड़ी स्किल है। मुझे डिफेम किया और हर रोज ये कांग्रेस पार्टी को डिफेम करते हैं। और मैं आपको सच बताऊं तो इसमें प्रेस का भी रोल है। अब आज बड़ा सवाल ये है जो आपको भी सोचना चाहिए, ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान और चीन के मुद्दे पर अक्सर कांग्रेस पार्टी वही भाषा बोलती है जो भाषा इन दोनों दुश्मन देशों के नेता बोल रहे होते हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी वही भाषा बोल रहे हैं जिससे पाकिस्तान को ही मदद मिलती है, जिससे चीन को ही मदद मिलती है। आज राहुल गांधी ने एक और बड़ा बयान दिया और कहा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के मुद्दे पर कई बयान देते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एस जयशंकर को अभी अपनी समझ और गहरी करने की जरूरत है, अभी उन्हें अपनी समझ और बढ़ाने की जरूरत है। यानी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि एस जयशंकर की समझ में कहीं ना कहीं कोई कमी है और उन्हें अपनी समझ को बढ़ाना होगा। राहुल गांधी ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बारे में नहीं बोल रहे, गलतफहमी में मत रहिएगा। राहुल गांधी ये बात बोल रहे हैं अपने ही विदेश मंत्री पर, और जुल्फिकार अली भुट्टो भी भारत के विदेश मंत्री पर ही सवाल उठा रहे हैं और राहुल गांधी भी ठीक वही बात कर रहे हैं। अब आप एक और समानता देखिए, हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है, हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचने की भैया यहां पे एक इवेंट करो, यहां पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है। तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए।